सिखाएंगे मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है दोस्तों, इसमें वर्ड और एक्सेल को कंबाइन करके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आता है। इसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको सपोज करो 1000 लोगों को एक बार में एक लेटर आपको भेजना है अलग अलग एड्रेस पे, तो वो कम टाइम में और कम कॉस्टिंग के साथ मेल मर्ज से ही पॉसिबल है दोस्तों। तो मेल मर्ज क्या होता है, जैसे आपको इन्विटेशन कार्ड, ऑफिस लेटर, एडमिट कार्ड या एक्सेट्रा 100+ या 1000+ लोगों को भेजना है, तो वो कैसे होता है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। इसके लिए अब सपोज करो आपके पास कोई डेटा है, मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ पे कंपनी का नाम है, उनके स्टेट का नाम, उनका पिन कोड और उनका मोबाइल नंबर। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लेटर बना रखा है, इस लेटर को मेरे को अब उन सारी जो ये वाले कंपनी डिटेल थी इन सबको ये लेटर मेरे को भेजना है, तो कैसे मैं भेजूंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ मेल मर्ज पे आता हूँ। पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपके एक्सेल में जो डाटा बना हुआ है वो प्रॉपर है। मेरे एक्सेल में यहाँ पे प्रॉपर डाटाबेस बना हुआ है, तो मैं अपना ये डाटा यहाँ पे रेडी करके रखूंगा और इसको किसी एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे सेव कर दूंगा। मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है दोस्तों। इसके बाद मैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल पर आ गया। एमएस वर्ड की फाइल पर आने के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लेटर टाइप करके रखा है ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो वीडियो देखे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ मेल मर्ज। होम पर आपका बाय डिफॉल्ट होगा, आपको मेलिंग पर आना है। मेलिंग पर आने के बाद आपको सिलेक्ट रिसिपिएंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको शो कर रहा है। फर्स्ट में अगर आपको न्यू लिस्ट कोई क्रिएट करनी है अलग अलग रिसिपिएंट को लेटर अपना भेजने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, उसी में से डाटा उठाकर अलग अलग लेटर्स पे डालना है, तो मैं यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट टाइप करूंगा। और जो मेरा एक्सेल फाइल थी वो डेस्कटॉप पे थी, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओपन किया और उसको यस कर दूंगा। और उसके बाद आपको शीट सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। इतना काम था आपका। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे जाना है। इंसर्ट फील्ड पे जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली हेडिंग होगी उसमें कुछ स्पेस बना लेना है। मैं यहाँ पे 4-5 लाइन का पहले ही स्पेस बना लेता हूँ ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए मेरे को। इंसर्ट यहाँ पे गया मैं, इंसर्ट मर्ज फील्ड। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा जिसको मैंने लेटर भेजना है उसका नाम, और देन नीचे वाली लाइन में मैं इंसर्ट करूंगा जिसको मैं लेटर भेज रहा हूँ उसका स्टेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा उसका पिन कोड भी आ जाए, और अब मैं सोचता हूँ कि जिसको लेटर भेज रहा हूँ उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे जाके जो मोबाइल नंबर हेडिंग में लिखा हुआ था ये उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे इंसर्ट करे, तो मैंने मोबाइल नंबर भी इंसर्ट कर लिया है। अब मैं अपने लेटर की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसका साइज भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ दोस्तों। अब मैं सोचता हूँ मेरे लेटर में जो नीचे है वहां पर भी जो रिसिपिएंट है उसका नाम आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जाके दोबारा मेलिंग में जाके इंसर्ट फील्ड और यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ ताकि नीचे भी रिसिपिएंट का नाम आ जाए और ऊपर एड्रेस के साथ डिटेल है। तो ये लेटर मेरा रेडी हो गया है दोस्तों। अब मेरे को क्या करना है, जो हमारा एक्सेल में अलग अलग रिसिपिएंट का डेटाबेस हमारे पास था एक ही बार में, अब वो सारा हमें देखना है। तो हम प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ये जो एड्रेस था वो यहाँ पे फिलअप हो गया है। अब मैं सोचता हूँ कि सारे का डाटा मेरे को एक बार में ही अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए जो मेरा डाटा था, एक लेटर हमने टाइप किया था लेकिन मेल मर्ज ने क्या किया, जो 29 लोगों को हमने भेजना था डाटा वो सबका एड्रेस अलग अलग लेटर के साथ यहाँ पे टाइप हो गया है दोस्तों। ये देखिए ये हिपस्टर को गया है, ये दूसरे को गया है, ये देखिए दोस्तों सबका डेटाबेस इसने इकट्ठा रेडी कर दिया है। अब इसका प्रिंट निकाल के अगर पोस्ट करना है आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट मेल में अटैच करना है तो इसको आप डेस्कटॉप पे सेव करके 1 by 1 सभी रिसिपिएंट को आप मेल भी कर सकते हो दोस्तों। मेल मर्ज का ये यूज आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्यूचर में भी हम ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।